हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। थोड़ी नहीं, वैसे तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रात से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे ना फ़ीवर आ गया था। मुझे रात से ही फ़ीवर आ रखा है और सुबह मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। खांसी, गला दर्द, कोल्ड फीवर, तेज, इतना तेज फीवर था ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो काफ़ी लेट उठी। फिर काम किया, पापा का खाना बनाया, हम लोगों की खाने की थोड़ी तैयारी की और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ। देखिए, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 दिन जो है मैं भगवान की पूजा और आराधना करूँगी, तो वो तो करनी ही है, तो उसके लिए तो रेडी होना ही है। क्योंकि जब सोचा है कोई चीज़ तो करेंगे, तो अभी बस मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने रात को दवा ले ली थी। वैसे मैं फास्ट में अवॉइड करती हूँ दवा लेना, लेकिन अब मजबूरी थी तो मुझे दवा लेनी पड़ी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि नहीं, हेल्थ फर्स्ट, तो दवा लेनी है, तो मैं वही दवा ले रही थी। दवा ली मैंने और आज ना मैं थोड़ा सा अपसेट भी हूँ, क्योंकि है कुछ बात जो कि मुझे काफ़ी अपसेट भी कर रही है। बट अब मैं, कहते हैं ना, उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती और ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे रह रह करके वही सब बातें, वही सब चीज़ें याद आ रही है। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर सकूँ। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने कहा चलो मैं रेडी होती हूँ, थोड़ा भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं आ गई हूँ और मैं अब जस्ट रेडी हो गई हूँ। ये देखिए मैंने पहना है आज, ये आज ब्लू कलर था तो मैंने ब्लू कलर पहना है और मैं हो गई हूँ रेडी। और अब मैं बस करूँगी पूजा। सो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पूरा लुक। और ये वो सेट है जो मैंने हैदराबाद से ख़रीदा था कुछ 11-12 साल पहले। ये वाला सेट है जो मैं पहनती हूँ कई बार। सो आज मैंने राजपूती के साथ भी पहन लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा लुक। ये देखिए, ये है मेरा पूरा लुक जो मैंने कैरी किया है। ये ब्लू कलर की ड्रेस है और ये राजपूती पोशाक, मतलब ब्लू कलर की राजपूती पोशाक। और ये मेरी चूड़ी। और हो गई हूँ मैं एकदम से रेडी और अब बस कर लेते हैं फटाफट से पूजा और उसके बाद फिर खाना वगैरह बना के और खाएंगे खाना। तो चलिए फटाफट पहले पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद जो है मैं अपना जो पाठ करती हूँ वो मैं पाठ करने लगी थी। और आज पाठ के साथ साथ मैं थोड़ा हवन भी करने वाली थी, तो हवन की भी तैयारी मैंने कर ली थी। और यहाँ पे देखिए जो है मेरा पाठ जो है वो चल रहा है। और अभी मैं जो है पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद मैं करूँगी अपनी आरती। तो गाइस देखिए, हो गई है मेरी पूजा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और आप लोग भी आरती ले लीजिए। सब लोग आरती ले लीजिए। और ये देखिए, हो गई है मेरी पूजा।
आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइज मैंने कर लिए पूजा और अब ना बस मैं थोड़ा चेंज वेंज करके फिर कुछ बनाऊंगी, क्योंकि आज कुछ बनानी है, लेट हो गई हूँ और फटाफट कुछ बनाती हूँ। और आज ना पता नहीं कैसे अचानक से बादल हो गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं बारिश ना आ जाए कहीं। सो बस यही है, चलिए अब चलते हैं कुछ बनाते हैं। पहले भगवान की धूप तो दे दिया, दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, हो गया। सो अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में खाना वाना बना के, और हम लोगों ने बनाया है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में पनीर थोड़ा सौते कर लिया है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। और माता रानी की कृपा से हमारा व्रत जो है अच्छा चल रहा है, बस दो दिन और बचे, परसों तो व्रत खुल ही जाएंगे, कल का आखिरी दिन है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है हमारा खाना, देखिए चिप्स पापड़ सब है, ये भैया हमारे। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, शाम की आरती करके, शाम की पूजा करके, शाम का दिया विया लगा के मैं कमरे में आ गई हूँ। और शाम के टाइम पे इनके कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो उन्हीं के लिए चाय नाश्ता बनाया, और फिर किचन में थोड़ा बिजी हो गई थी, बर्तन वर्तन करने लग गई थी। ऑल दो तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, फीवर है, अभी इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले दवा दी है, और अभी बोल भी रहे हैं कि भैया के पास चलते हैं दिखा के आते हैं, मतलब डॉक्टर भैया जो है उनके पास चलते हैं दिखा के आते हैं। बट मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ना थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, और ना मेरा ना मन भी बहुत चिड़चिड़ा सा, और ऐसे ना मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मेरा ना मन बड़ा अनमना सा हो रहा है, चिड़चिड़ा सा हो रहा है, मेरा मूड भी जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा मूड भी थोड़ा आज अपसेट है। सो इसलिए फिर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, फिर कही क्या। सो यही है कि अभी बस अपने कमरे में आई हूँ, पूजा वूजा आरती वारती करके अब बैठी हूँ, देखते हैं अब क्या करते हैं। शाम को ये शायद खिचड़ी खाने का बोल रहे हैं, तो मैंने साबुदाने तो भिगो दिए थे, पर उससे पहले मुझे बर्तन करने हैं, पूरी गैस भट्टी और गैस साफ़ करनी है, प्लेटफॉर्म साफ़ करना है। क्या दिन में मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। एंड होपफुली कल मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि अब लास्ट के दो दिन हैं, कल का लास्ट डे, कल का एक दिन है और परसों लास्ट डे, परसों तो कन्या करनी ही है, तो उस हिसाब से कन्या के लिए भी कल सामान वामान लेने जाना है, क्या लेना है क्या करना है देखना है, इसलिए होपफुली कल तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और आज जैसे मैंने आपको बताया था कि साबुदाना खिचड़ी बनाऊँगी, तो देखिए खिचड़ी के लिए मैंने आलू भिगो दिए, आलू क्या सॉरी साबुदाने भिगो दिए। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हूँ, बट हाँ खाना वाना तो बनाना ही है, तो इसलिए तो देखिए मैंने साबुदाने भिगो दिए हैं। और इसके साथ मैं जिस स्टाइल की साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ वो मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने साबुदाने भिगो दिए हैं, और ये साबुदाने भीग भी गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बारीक बारीक आलू काट के रख लिए हैं, मूंगफली को थोड़ा सा ऐसे दरदरा कूट लिया है, ये जीरा हो गया, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब मैं इसमें घी में पहले मूंगफली को सेक लूँगी, वो अलग निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आलू को अच्छे से फ्राई करके और फिर खिचड़ी बनाऊँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना। सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है घी, आप जो भी खाते हैं घी या मूंगफली का तेल या जो भी खाते हैं आप वो ले सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और घी को हमको ना हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो हल्का सा घी जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे मूंगफली, और मूंगफली को ना बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं घी का गरम होने का वेट कर रही हूँ, और घी जैसे ही गरम हो जाएगा मेरा, और मैंने इधर डाल दी है मूंगफली, और मूंगफली को तो ना हल्का सा ब्राउनिश करना है। मेरी मूंगफली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, आप उतनी ज़्यादा मत करिएगा, हल्की सी जो है वो ब्राउन करिएगा। और मेरी आवाज़ आप अभी भी देख सकते, अभी भी ख़राब है, क्योंकि मेरी ना तबीयत ऐसी हो रखी है। तो यहाँ पे जितनी मूंगफली हो रही है, जब तक मूंगफली होगी हम अपने साबुदाने में नमक डाल देंगे, तो नमक जो है आप स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी मूंगफली हो गई, तो फिर मैंने मूंगफली को अपने साबुदाने के ऊपर निकाल दिया, और जैसे ही घी जो गर्म ही था क्योंकि मूंगफली का सिका हुआ था, तो उसमें मैंने घी डाल
जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली है, और हरी मिर्ची को हल्का सा चला के फिर मैंने उसमें आलू डाल दिए। अब आलू को पकाने के लिए मैं ना इसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी। आप नमक उसी अंदाज से डालिएगा कि खिचड़ी में थोड़ा सा कम रखिएगा, जिससे कि आप आलू में थोड़ा सा नमक डाल के और फिर इसको ढक के पका सकें। तो मैंने इसमें आलू को जो है वो पकाया है। आप चाहें तो ढक के पकाएं, आप खुला भी पका सकते हैं, दोनों आपकी चॉइस है। और यहाँ पे जितने जो है वो आलू पक रहे हैं, तब तक मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी गैस की सफाई भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे चल रही है मेरी गैस की सफाई, क्योंकि क्या है ना, जब ये छौक वॉक लगाते हैं तो छौक उड़ता ही, और व्रत के खाने में कुछ तलना करना ये सब चलता रहता है तो ये उड़ता रहता है। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस कढ़ाई के इधर, चेक करने की आलू पके हैं कि नहीं। अगर आलू पक जाएँ तो फिर हम अब इसमें अपने साबूदाने और जो मूंगफली हमने डाला है वो डालेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज़ आप ऐड करिएगा, आधा नींबू डाल लीजिएगा, तो जो हमारी जो खिचड़ी होती है जो कई बार चिपक जाती है वो नहीं चिपकेगी। इसमें आप आधे नींबू को डाल के और अच्छे से मिक्स करिएगा, और फिर जब आलू पक जाए तो आलू के अंदर साबूदाने को डाल के, साबूदाने और मूंगफली को डाल के अच्छे से चलाइए, मिक्स करिए, मिक्स 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 मिक्स। और उसके बाद जो है ये 5 से 7 मिनट में आपकी खिचड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए मैं भी अपनी खिचड़ी को जो है अच्छे से चला रही हूँ, इसको सबको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि नमक है सब कुछ है तो इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करके चलाते रहिए, तो मिक्स करते रहिए। उसके बाद इसमें एक चीज़ तो ज़रूर से डालिएगा, जो कि है हरा धनिया। हरा धनिया ना एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं तो हर चीज़ में डालती हूँ। तो इसको भी आप जैसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छी बन गई है, तो उसमें आप हरा धनिया डाल दीजिए। और हरा धनिया डालने के बाद इसको थोड़ा सा और चला करके, और फिर बस इसको ढक के, अब ढक के रख दीजिएगा 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि ये ना और सॉफ्ट। तो यहाँ देखिए मेरी खिचड़ी बन चुकी है आज मैंने, और अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। तुम लोगों की सोच, मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी तो और अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएगी। और देखिए कैसी खिली खिली बनती है खिचड़ी, एकदम अच्छी खिचड़ी बनी है। तो खिचड़ी रेडी है, अब जो लोग खाएंगे मैं खिला दूंगी। सो हम लोग अब जा रहे हैं, मेरी तबीयत तो थोड़ी ऐसी है, बट मेरा ना वो लाइट देखने का बहुत मन था। मैंने कहा सुबह से मूड और मन और ये सब ऐसा हो रखा था ना, और मूड तो ख़राब हो ही रखा था। ये पोछा रखा है किसी ने, वो वहाँ था जो यहाँ रख दिया, तो मूड ऐसे ही ख़राब हो रहा था। तो इन्होंने मुझे बोला चल मैं तेरे को थोड़ा राउंड कटवा के लाता हूँ, तो तेरा मूड तेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये मुझे लेके जा रहे हैं अभी थोड़ी देर, तो अब मैं जा रही हूँ इनके साथ थोड़ा लाइट्स वगैरह देखने। चलिए चलते गाइस, प्लीज़ बियर दिस गंदा कांच, जिस कांच को बोला गया है मुझे कि मैंने आज तुम्हारा कांच साफ कर दिया। सो ये आप बताइए फ्रेंड्स कि ये कांच साफ हुआ है कि नहीं हुआ। क्या था ये भाई साहब, वो एकाएक आ गया, तुमने देखा ना? हाँ वही ना, मैंने क्या देखा, मेरे कैमरे ने भी देखा। वही ना भाई, एकाएक आ गया, पीछे गाड़ी अलग आ रही थी। इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी मस्त लाइटिंग हो रखी की लाइटिंग अब की बार और अलग है। अच्छी इस बार क्या है? साइड इस बार की लाइटिंग दाल बाजार की अच्छी है काफी। गाइस अभी पीछे एक ऐतिहासिक जगह आई थी जहाँ पे मैं शादी करके आई थी, और मेरी शादी को 2 महीने हुए थे, सिर्फ 2 महीने, और ये बंदा मुझे स्कूटी में इधर दाल बाजार में लेके आया था, और पता है मुझे छोड़ के चला गया गाड़ी में बिठाए बिना। चला गया यार 50 मीटर स्कूटी पे बिठाया भी नहीं, और फिर मुझे क्या बोलते, अरे मुझे पता ही नहीं लगा तुम गाड़ी में बैठी नहीं बैठी। मैंने कहा इतनी हल्की तो मैं नहीं हूँ भैया, अरे 50 मीटर भी नहीं निकलाऊंगा मैं। 50 तुम 1 किलोमीटर निकल गए थे। 1 किलोमीटर भाई, शादी को 4-5 साल और होने से अगली बार बोलेगी तुम घर पहुंच गए थे। घर तो नहीं पहुंचे थे, घर दूर है। तो फिर मैं तुम्हें ये फिर बोलेगी मैंने तुम्हें घर से फोन किया था। नहीं, और पता है बंदा फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा, फोन करने का मौका भी नहीं मिला। सबसे पहली बात फोन नहीं उठा रहा, मैं आवाज दे रही, आवाज नहीं सुन रहा, फोन नहीं, भाग गया था बंदा। टाइम भी नहीं, मतलब सोचो शादी के 2 साल 10 साल 12 साल बाद अगर कोई इंसान ये हरकत करे तो समझ में आता है कि बीवी से तंग आ गया। और वो भी मतलब सोचिए
लव मैरिज में इंसान भाग के चला गया 2 महीने बाद। अरे ऐसे है मेरे पति, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पूरी मनगढ़ंत कहानी है ये, सच्ची घटना पर आधारित है। मैं बताऊं क्या हुआ, असली कहानी मैं सुनाता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मेरे को लगा ये बैठ गई, जबकि बैठी नहीं थी। मैं स्कूटी चालू करके थोड़ा सा आगे निकला था, बस मतलब होता है ना जैसे राउंड लेते हैं एक स्कूटी में, मान लो ऐसे बस थोड़ा सा आगे निकला था मैं 10 मीटर मुश्किल से। फोन का तो मतलब किया भी नहीं कुछ भी। तो एक दो साल और रुको, आपको फिर कहानी मिलेगी, ये बंदा घर पहुंच गया, इसको रास्ते में भी पता नहीं चला। यहाँ से लोग शीतला माता जा रहे हैं, ये ऐसे ही है, हम क्या करें, चलो जो भी ये पति है। जी सही है, जो भी ये पति, क्या मतलब है। ऐसे ही रात में तफरी मारने निकल आए हम लोग, और पूरे दिन घर में ऐसे ही मूड था। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँ नहीं करूँ, पता नहीं। बट हाँ ठीक है, ऐसे ही था, अभी निकले हैं, थोड़ा बोला थोड़ा चेंज होगा, घर से निकलते हैं बाहर, सो ये मुझे लेके आए हैं। तो मस्त लॉन्ग ड्राइव करवा दी मेरे पति ने मुझे। ये लोग भी कहीं जा रहे हैं ना मंदिर, शीतला माता जा रहे होंगे, ऐसे जाते हैं लोग पैदल शीतला माता, नागपाल, मुगल दरबार, वो कढ़ाई वो जो किलो पे देता है। नहीं नहीं वो तो वो अलग है, अलकापुरी का। अच्छा अलकापुरी की आज चाट दिखाई थी, अलकापुरी ले चले तुम अभी, जाओ चल सकते हैं अभी, चल सकते हैं लेकिन बंद होगा, बंद तो चलेगा, लेट के हिसाब से रिस्की तो नहीं है, रिस्की उसकी तो कुछ, तो चलो ना चलते हैं। पहले बता दी मैं अलकापुरी के जस्ट पास से ही मुड़ा हूँ, पता है। अच्छा मुझे यार मुझे कहाँ पता है तुम्हारे ग्वालियर के रास्ते, तुम्हें पता तो है अलकापुरी चलना है। लेकिन कुछ सड़कें तो इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है, जैसे मुझे ये वाला रास्ता भी अच्छा लगता है, IITTM है ना ये, लाइक इंडिया का शायद पहला इंस्टीट्यूट ही है, फिर या सोल इंस्टीट्यूट है जो टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म में वो करवाता है डिग्री। अच्छा सना ने यही से किया ना, नाइस। अब देखो थोड़ा फॉग आने लगा है, ये क्या है थोड़ी। सो ये वो जगह है जहाँ पे अभी रामलीला चल रही है ग्वालियर में, सो वहाँ के बाहर से हम लोग निकल रहे थे, तो मैंने इनको बोला चलो ये भी मैं शूट कर लेती हूँ। बट ये मैंने जो है वो इसमें वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि हाँ मैं पापा से फ़ोन पे बात भी कर रही थी साथ के साथ, तो पापा की आवाज़ सारी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। इसलिए ये है वो पूरा पंडाल जो बना है रामलीला का। पापा का आ गया तो कॉल, पापा से भी बात करने लग गई थी मैं, और अब आ गए हम घर, ऑलमोस्ट आ गए, क्या आने वाले हैं, मतलब आ ही गए ऑलमोस्ट। सो बस हम लोग घर आए, यहाँ पे भी माता बैठी है हमारे इधर पास में पानी की टंकी के पास, हमारा घर का भी इंडिकेशन यही होता है। सो बस यही है, चल रहा है, हम लोग आ गए घर, और अभी कुछ पेट पूजा और क्या, काम दूजा और क्या, ठीक है। तो चलिए कुछ खाते फिर, अब इस व्लॉग खिचड़ी बनाई है, हाँ खिचड़ी बनाई वो खाएंगे। चलिए तो अब मैं इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।